एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जो है हमारा 10th चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। हम लोग ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में 9 चैप्टर तक के अपना पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन लेसन्स को नहीं पढ़े हैं या उन चैप्टर्स को नहीं कवर किया है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दे रखी है, आप वहाँ पर जाके उन प्रीवियस चैप्टर्स को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट के ऊपर। हमने हमारे प्रीवियस 9 चैप्टर में बात की थी कि बिजनेस और मैनेजमेंट क्या होता है और उसके क्या कैरेक्टर हैं, क्या नेचर है, क्या लेवल्स होते हैं, ठीक, उन सब के बारे में बात किया था। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है ये बताया गया है इस चैप्टर में। प्लस हमने इस चैप्टर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या होता है इसकी इम्पॉर्टेंस। फिर हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट, जो हमारी आएगी वीडियो हमारी, वो होगी कॉजेज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के क्या कारण हैं, ठीक। फिर हमारा जो थर्ड वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में हमारी मैनेजमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है। और फिर हमारी जो लास्ट वीडियो रहेगी, जैसे हम लोग के सभी वीडियोज़ में रहता है, उसका पूरा रिविजन करते हैं और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पर, जो इसका इंट्रोडक्शन, कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट पहली चीज़ क्या होती है, ये तो यूनिवर्सल होता है, ये हर जगह आपको मिलेगा, ठीक। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ एक प्रोसेस वाइज में हमारा सारा काम हो। इसकी यहाँ पर मीनिंग भी दे रखी है, मीनिंग बोले तो डेफिनेशन, C.W. विल्सन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज टूवर्ड्स अटेनिंग अ डेफिनेट गोल। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को हम किस नज़रिए से देखते हैं या ये क्या है, मैनेजमेंट इनके नज़रिए में या इनके कहने में क्या है कि मैनेजमेंट को हम अगर देखें तो ये एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, पहला ये एक प्रोसेस होता है जिसको रिलीज़ किया जाता है, किस में रिलीज़ किया जाता है एंड डायरेक्ट किया जाता है, ह्यूमन एनर्जीज में, ठीक है। बोला गया कि मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है, ये पहली चीज़ एक प्रोसेस होता है। दूसरा, इसको आप क्या करते हो, इसको डायरेक्ट करते हो, ठीक है, आप उसमें अपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हो उनको रिलीज़ करते हो, किसके थ्रू, अपने ह्यूमन बींग्स के थ्रू, हमारे जो हम लोग हैं, हम लोगों के थ्रू ही मैनेजमेंट रन होता है, ठीक। और फिर हम किस लिए ये काम करते हैं, ताकि हम अपने एक डेफिनेट गोल, जो भी हमारा गोल है, जिस पर्पस से हमने जो मैनेजमेंट सेट किया है उसको हम अचीव कर सकें। ये C.W. विल्सन के थ्रू दी गई डेफिनेशन है, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो इसको लर्न करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अवश्य आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। आप अगर एग्जांपल लो, आप घर का एग्जांपल ले लो, घर में मम्मी हर चीज़ का देख रेख करती है, ठीक, वो घर में पापा की जब सैलरी आती है तो सैलरी के जब 1st तारीख को या 31st तारीख को पापा को सैलरी जब मिलती है तो वो लाके अपनी वो उनको दे देते हैं ना कि हाँ लो तुम घर चलाओ, राइट। तो वो किस तरीके से, यानी कि अब मान लीजिए उनको मंथली सैलरी 10,000 मिलती है और वो घर का खर्चा उनको देते हैं हर महीने की 1st तारीख को, उन अपनी वाइफ को देते हैं कि हाँ तुम्हें घर चलाना है और मैं 10,000 रुपये तुमको दूंगा, ठीक। तो अब उन्हें 10,000 में ही घर का राशन भी लाना है, घर के बच्चों की फ़ीस भी देनी है, ठीक, बिजली का भी बिल भरना है, ये सारे काम भी करने हैं, उनके अलग से कपड़े भी लेकर आने। तो अब ये उनका मैनेजमेंट है, ये उनका मैनेजमेंट है कि वो किस तरीके से अपने घर को पूरा मैनेज करके चल रही हैं, उतने ही कैपिटल में, यानी कि उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं ना, कि उतने ही पैसों में वो सब कुछ अरेंज कर रही हैं, सबको खुशी से रख रही हैं, ठीक। तो ये उनका मैनेजमेंट, फैमिली में भी एक मैनेजमेंट चलता है, ठीक। आप स्कूल चले जाओ, स्कूल में भी कुछ भी बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं चलता, वहाँ पर भी एक मैनेजमेंट है, आपको 8 बजे स्कूल आना है तो आना है,
आपको इतने बजे क्लास अटेंड करनी है तो करनी है, इतने बजे आपका लंच होगा, इतने बजे आपको पानी पीने जाना रह सकता है, आपको बाहर जाना है तो परमिशन लेके जाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक तरीके से मैनेज करा रही हैं, आपके अंदर क्या लेकर आ रही है, एक डिसिप्लिन लेकर आ रही है। तो मैनेजमेंट आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा हम बात करें मैनेजमेंट का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बिजनेस होती है ना उसमें उसको मैनेज करना एक माइक्रो लेवल में और एक मैक्रो लेवल में, आपने माइक्रो और मैक्रो लेवल सुना होगा। माइक्रो लेवल हमारा वो होता है जो इंटरनल बिजनेस के अंदर से हमको इफेक्ट करता है, और मैक्रो लेवल हमारा वो होता है जो हमें बाहरी तरफ से इफेक्ट करता है। देखिए ये होता है माइक्रो और ये होता है मैक्रो। मैं इसको रफ करती हूँ फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। ये होता है माइक्रो, मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है बिजनेस, ठीक। अब इसको जो भी चीज़ें अंदर से इफेक्ट करती हैं, जो भी चीज़ें अंदर से इफेक्ट कर रही हैं वो क्या होती हैं माइक्रो, और जो भी चीज़ें ये सारी चीज़ें अंदर से इफेक्ट कर रही हैं बिजनेस को, ठीक, और जो भी चीज़ें इसको बाहर से इफेक्ट करती हैं वो क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी मैक्रो। मैक्रो में आपके क्या क्या आ सकते हैं, लाइक आपके पॉलिटिक्स हो गए, ठीक, आपके रूल्स एंड वो लॉज में चेंजेस होना, या आपके डिज़ास्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स हो गए, ठीक। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम अभी करंट सिचुएशन का ले सकते हैं, जो हमारा कोरोना चल रहा है, इसमें ना जाने कितने बिजनेस को इफ़ेक्ट किया होगा। ये किसी के हाथ में था, किसी को पता था कि हाँ ये ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसी कोई बीमारी स्टार्ट होने वाली, नहीं, लेकिन हाँ ये जब स्टार्ट हुई ये कौन सी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक, इसको आप किस तरीके से हैंडल करो। अब मैनेजमेंट ही है, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो अभी भी चल रहे हैं, भले वो उनको लॉस हुआ है लेकिन बाकी बिजनेसमैन्स की तरह उतना भारी लॉस उनको ना हुआ होगा, या तो फिर हुआ होगा तो फिर इतना नहीं जितना बाकियों को हुआ है। तो वो किस लिए, क्योंकि वो अपना मैनेजमेंट इस तरीके से सही करके चल रहे थे, ठीक। तो ये होता है मैनेजमेंट का काम। आप इंटरनली, अब हम अगर बात करें माइक्रो लेवल पे हमारे कौन आ जाते हैं, माइक्रो लेवल पे हमारे कस्टमर्स हो गए, ठीक, हमारे सप्लायर्स हो गए, ठीक, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, ये सब हमारे कौन होते हैं, ये माइक्रो लेवल पे होते हैं। यानी कि इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे सप्लायर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं, हाँ उनको ज़रूर हम हैंडल कर सकते हैं। तो उनके बीच का रिलेशन हम सेटअप कर सकते हैं, मैनेजमेंट हम वहाँ पर और अच्छा बना सकते हैं, राइट। बट अगर आप मैक्रो की बात करो, मैक्रो लेवल में अगर एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स आ गए, आपके अर्थक्वेक आ गया, तो क्या आप उसको संभाल सकते हो, आप मना कर सकते, नहीं अर्थक्वेक अब मत आना, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो क्या होगा, माइक्रो मैक्रो लेवल में हम क्या कोशिश करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो लेवल में, माइक्रो में हम कोशिश करते हैं कि इस तरीका का मैनेजमेंट रखें कि हाँ चीज़ें ईजिली हैंडल हो जाएँ, और मैक्रो में हम ये कोशिश करते हैं कि हाँ अब नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, लॉज में चेंजेस आ रहे हैं, रूल्स नए बदल के आ रहे हैं, ठीक, तो उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है, उसमें तो हमारा कोई बस नहीं है, हम उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने बिजनेस को इस काबिल तो बना सकते हैं ना मैनेजमेंट के थ्रू कि हाँ अगर ये मुझे इफ़ेक्ट करेंगी तो ठीक है इफ़ेक्ट कर रही हैं, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करें कि हाँ हमारा पूरा का पूरा बिजनेस ही हिल जाए अंदर से, थोड़ा बहुत इफेक्ट करे तो चलता है। तो ये होता है मैनेजमेंट। आई विश आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है और इसके क्या इम्पॉर्टेंस है। बाकी हम पार्ट्स में बात करेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस किस जरिए से और ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाकी हम लोगों की लाइव क्लासेस चलती हैं गूगल मीट पर, जहाँ पर हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, आपके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। ऐसे हमारे बच्चे अपने कोर्स को कंप्लीट भी कर रहे हैं, वहाँ पे कॉमर्स सेक्शन का पूरा कोर्स हो रहा है। अगर आप भी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और साथ ही 27 अक्टूबर को हमारी एक स्पेशल क्लास होने वाली है गूगल मीट पर, अगर आप उस क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी हुई है, जल्दी से जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।